प्रेजेंट पिटिशनर को जब रोका गया तो प्रेजेंट पिटिशनर कोई दिक्कत है, बोलने में हिलाता है, स्टटर करता है, तो दे हैव थॉट कि इसने शराब पी रखी है। उन्होंने उससे इलीगल अमाउंट की कॉलिंग की, इलीगल अमाउंट की कॉलिंग की तो उसने मना किया, उन्होंने कहा कि आपने शराब पी रखी है, पहला केस बनाएंगे। उसके बाद मरने मारने पर आमदा हो जाते हैं, ये ठुल्लो तुम लोग यहाँ वसूली करते हो, और अनर्गल माँ बहन की गालियाँ देने लगते हैं, तो इनको अरेस्ट करना सर एक विधि सम्मत कार्रवाई होगा ना सर, ये भी रिकॉर्डेड होगा सर? रिकॉर्डेड नहीं, जब इन्होंने ये एक्टिंग की उस टाइम सर इन्होंने कैमरा अपना बंद कर चुके हैं। मामला ये है सर, चंदन नगर थाने में एक लॉ स्टूडेंट जो है उसको पुलिस वालों ने रात को रोका था, एंड जस्ट बिकॉज ही इज अ लॉ स्टूडेंट उसने लीगल आंसर दिए, तो उस आधार पर पुलिस वालों ने उसके साथ मारापीटी की, बिना कपड़ों पर उसे लॉकअप में रखा, और चूंकि वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई वहां पर नहीं कर सकते थे तो उन्होंने फर्जी केस बना दिया। जिन्होंने फर्जी केस बनाया, जो अधिकारियों की स्पॉट पर पोजिशनिंग होना चाहिए वो रोजनाम चाना में दिखाई देते हैं गए थे, बट असल में वो थाने बैठे थे। तो वी हैव रिक्वेस्टेड कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कॉल की जाए, the one who is trying the case as a seat of a judge, he is acting like a policeman. So what he is doing sir, even a CCTV recording bulane ko taiyar hai na, kuch aur karne ko taiyar hai. In addition to hum wahan nakal ke liye apply karte hain to humko nakal nahi de rahe hain, release kar sakte sir? I am requesting quashment and appropriate action against the wrong witness. Who are the policemen? Respondent number 629 sir, private respondent sir. Sir CCTV footage ke liye aapne apply kiya tha? Yes sir, CCTV footage के लिए आपने अप्लाई किया? सर CCTV footage के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी रिस्पॉन्ड नंबर 2 के सामने, जो बतौर जज पुलिस कमिश्नर इस मैटर को ट्राई करें, उन्होंने उसको कॉल करने से मना कर दिया। इन एडिशन टू जो विटनेस वहां पर बुलाया गया मिस्टर जहीद जी, ये उस जहीरुद्दीन जिस टाइम पर केस दर्ज हुआ वो थाने बैठे हुए थे, तो हमने कहा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बुला के चेक कराया जाए, तो वो नहीं बुलाई गई। जहीरुद्दीन साहब को इतनी कन्वीनियंस दे दी सीसीटीवी में, आप क्या बताना चाहते थे? सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑन स्पॉट जो कंप्लेनेंट है जहीरुद्दीन सर, जस्ट गिव मी वन सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली सर। थाने का रोजनामचा है, रोजनामचा दिनांक 1/9/2024, समय 1:10, ये कहता है कि बॉम्बिंग गश्त में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सौरभ कुशवाहा, सहायक उप निरीक्षक जहीरुद्दीन और बहुत सारे लोग बॉम्बिंग गश्त के लिए निकले। ये एक गश्त पे अगर बॉम्बिंग गश्त के लिए निकले तो इनके द्वारा प्रेजेंट पिटिशनर को रास्ते में रोका गया। प्रेजेंट पिटिशनर को जब रोका गया तो प्रेजेंट पिटिशनर कोई दिक्कत है, बोलने में हिलाता है, स्टटर करता है, तो दे हैव थॉट कि इसने शराब पी रखी है, तो उन्होंने उससे इलीगल अमाउंट की कॉलिंग की, इलीगल अमाउंट की कॉलिंग की तो उसने मना किया, उन्होंने कहा कि आपने शराब पी रखी है, पहला केस बनाएंगे, तो ये उन्होंने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करना चाहिए। पूरी रिकॉर्डिंग में कन्वर्सेशन ये है कि कानून ये कहता है कि आप मशीन बुलाओ, टेस्ट करो, अगर मैंने शराब पी रखी तो जेल में डाल देना मेरे को, बट पुलिस ऑफिशियल और एडामेंट टू से कि आप थाने चलो, आपका हम ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कराएंगे। सो बिकॉज ही वॉज डिनाइंग, तो देयर फोर उस रिकॉर्डिंग के अंदर कन्वर्सेशन आया, देयर आर फोर क्लिप्स आर ब्रॉट दैट सर। देयर आफ्टर बिकॉज ऑफ द रिलीफ टेस्ट में क्वेश्चनिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर द क्वेश्चनमेंट ऑफ द फॉल्स केस, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ केस दर्ज कर लिया 170। अब सर 170 जो है मैं पढ़ देता हूं, बिकॉज 170 वुड मीन कि अगर ये मेरे खिलाफ केस दर्ज करना चाहते हैं, Prevention Action of the Police Chapter 12, 168 Police to Prevent the Cognizable Offence, 169 Information of Design to Commit Cognizable Offence, and 170 जिसका केस दर्ज किया है। सर ये कहता है arrest to prevent commission of cognizable offence, a police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest। तो जो लॉ स्टूडेंट सामने खड़ा है जिसपे आप एलिगेशन लगा रहे थे उसमें शराब पी रखी है, जो जबकि उसने नहीं पी रखी है, आपने ब्लड सैंपलिंग करा इसमें भी शराब नहीं निकली, तो आप हाउ कैन यू कैन से दैट यू आर नोइंग दैट ही इज अबाउट टू कमिट अ क्राइम इन अ डिजाइन ऑफ अ क्राइम। तो इन्होंने इनके खिलाफ 170 फर्जी केस दर्ज कर लिया, और उस फर्जी केस को चलाने वाली जो ट्रायल कोर्ट है, ही इज सिटिंग एट द सीट ऑफ अ जज एंड एक्टिंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया गया जिसने कंप्लेंट रिपोर्ट करी कि आप आके बयान दीजिए, तो वो घर से बयान लिख के लाते हैं और वो बयान रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंदर चले जाते हैं कोर्ट रूम को छोड़ के। रिस्पॉन्ड नंबर 2 सर, काउंसिल वाज आर्गुइंग बिफोर द कोर्ट बिलो, जो क्रॉस कर रहे थे ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम, द ओरिजिनल कंप्लेनेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। सर ही इज द कंप्लेनेंट। अब मेरा कहना ये है, इंटरिम रिलीफ इज दिस, द स्टेट काइंडली बी डायरेक्टेड टू प्रोटेक्ट द सीसीटीवी रिकॉर्डिंग एंड प्रोड्यूस बिफोर द, बिकॉज सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा कि जो फर्जी रोजनामचा डाला है वो लोग थाने बैठे हुए थे, और वहां पर
प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट में वसूली का काम कर रहे थे रिस्पॉन्डेंट नंबर एट और क्या नाइन। वो क्या कहना आपको? प्रोसिक्यूशन स्टूडेंट जो कंप्लेन वो उस मौके पर आके यहाँ पुलिस नहीं, रिगार्डिंग सीसीटीवी का यू कॉल फॉर दी सीसीटीवी फुटेज ऑफ दी कौन आया थाने इस केस में कौन है? सर एक्चुअली उस नाइट में कॉम्बिंग रास्ते रूटीन चेकिंग चल रही थी। कितने बजे रात को? रात में सर 1:15 के आसपास होगा। रात को 1:30 बजे? जी सर। थाने से निकलते हैं सर, चौराहे पहुंचते हैं तो चौराहे पे देखते हैं सर कि कुछ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ जो पिटिशनर है सर बदतमीजी कर रहा था, वीडियोग्राफी चल रही थी। मैंने उसको काफी समझाया कि अगर आपने ड्रिंक किया है तो मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं, अदरवाइज हम आपको कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद मरने मारने पर आमदा हो जाते हैं, ये ठुल्लो तुम लोग यहाँ वसूली करते हो और अनर्गल माँ बहन की गालियां देने लगते हैं सर, तो उनको अरेस्ट करना सर एक विधि सम्मत तो कार्रवाई होगा ना सर? ये भी रिकॉर्डेड होगा सर? रिकॉर्डेड नहीं, जब इन्होंने ये एक्टिंग की उस टाइम सर इनने कैमरा अपना बंद कर चुके हैं सर। तीन रिकॉर्डिंग इनके पास थी, तीन लोग इनके कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। हियर इट इज, आई कैन शो इट। फिर सीसीटीवी तो लेके आइए, फिर देख सकते सर। उसको वन लास्ट रिक्वेस्ट सर। मैं सर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गया था एसीपी बोर्ड में, वहाँ सर न्यायालय तो बना दिए गए पर देयर इज नो बट सेट ऑन द बोर्ड पाउजी लिखते हैं, और जो गवाह आया था जहीरुद्दीन जिसने रोजान का एंट्री, वो अपने साहब को रोजान से एंट्री लाया थे, वो पढ़ रहा था, वो दिखा रहा था। देयर शुड बी प्रोसीडिंग लाइक कोर्ट, आपका नाम क्या है? सौरभ कुशवाहा। असिस्टेंट वाइस चीफ सॉरी सर। ठीक, और बाकी के दो केसेस कौन से? वन इज आइटम